का मेरे चैनल जया की जायकेदार थाली में स्वागत है। आज मेरी थाली का जायका कुछ अलग है, जो हेल्दी न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ब्रेकफास्ट स्पेशल है। तो आज मैं आपके साथ बनाऊंगी होममेड म्यूसली। आज लोग टेस्ट के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। लोग पूछते हैं कि हम डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें इंक्लूड करें जो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री हो और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर और विटामिन से रिच हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। म्यूसली आप कई तरह से बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप इच्छा अनुसार इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। माइल्ड स्वीटनर ऑप्शन के रूप में आप जगरी, हनी या ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। आज जो मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत हेल्दी है और मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं टोटली डाइटिशियंस अप्रूव्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कंप्लीट हेल्दी ब्रेकफास्ट को रेडी करना शुरू करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए 2 कप रोल ओट्स लिए हैं, 1/4 कप कैश्यू लिया है, 1/4 कप क्रश्ड आलमंड्स लिए हैं, 1/4 कप पिस्ताचू लिया है, 1/4 कप वॉलनट लिए हैं, 3 टेबलस्पून चिया सीड्स लिए हैं, 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स लिए हैं और 3 टेबलस्पून सीजम सीड जिसे सफ़ेद तिल भी कहते हैं लिया है। 1/2 कप नॉर्मल किशमिश ली है और 1/2 कप ब्लैक किशमिश ली है। स्वीटनर के रूप में मैंने ये थोड़ा सा क्रश गुड़ लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये दालचीनी का पाउडर लिया है। थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है और इसके अलावा मैं थोड़ा सा देसी घी इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं इसमें रोल्ड ओट्स को ऐड कर दे रही हूँ। इन्हें मैं धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अभी ओट्स रोस्ट हो गए हैं तो मैंने एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। नेक्स्ट अब मैं कढ़ाई में पिस्ताचियो, आलमंड्स, कैशियो और वॉलनट ऐड करूँगी और उन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी। इन्हें हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है। इसके बाद मैं इसमें चिया सीड्स, सीजम सीड और पम्पकिन सीड ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके बहुत अच्छे से थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं तो मैं इन्हें ओट्स के बॉल में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और उसमें 4 चम्मच देसी घी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें क्रश किए हुए गुड़ को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो शहद या ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हमें गुड़ को घी में डिसॉल्व होने तक पकाना है।
आप देख सकते हैं कि ये गुड़ अब डिसॉल्व हो गया है, तो मैं अब इसमें 4 चम्मच पानी ऐड करूंगी। इस पानी को हमें इस गुड़ के और घी के मिश्रण में खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 1/2 स्पून दालचीनी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमें इसे कंप्लीटली मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जो मैंने नारियल पाउडर रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हमें पकाना है। तो देखिए ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसे उतार लूँगी। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उसे वापस हमें अब कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना है। मैंने सारी चीज़ों को कढ़ाई में ऐड करके फ्लेम पे चढ़ा दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर नॉर्मल रोस्ट करूँगी। अब मैं गुड़ घी के इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर रही हूँ। लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इस मिक्सचर को तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए, क्योंकि जब ये ड्राई होगा तभी ये टिकने लायक होगा, टिकाऊ होगा, और हम इसे एयरटाइट जार में भर के रख पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अब ड्राई हो गया है, तो मैं इसमें दोनों तरह के किशमिश ऐड कर रही हूँ और अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी और ठंडा करने के बाद एयरटाइट जार में भर के मैं इसे यूज़ करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये नरिशिंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसमें मिल्क ऐड करने के बाद इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और भी बढ़ जाती है और ये कंप्लीट बैलेंस डाइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।